टाइम्स के डिजिटल पेज में आपका फिर से स्वागत है। और पूरब टाइम्स ने मुझे फिर से एक अवसर दिया एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए, वो है सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है और पूरी दुनिया सिंगल यूज प्लास्टिक के खतरे से डरी है, सहमी हुई है। विगत 2 वर्ष पूर्व पूरी दुनिया में इस सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर एक बड़ा अभियान छेड़ा गया, जिसमें सारी सरकारें आई और एक साथ उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने के लिए सख्ती से अपने यहाँ पे कार्यक्रम चालू किया और एक नई दिशा सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने के लिए की गई। अब सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे क्षेत्र में भी है, हमारे छत्तीसगढ़ में भी है, पूरे इंडिया में है, छत्तीसगढ़ में भी है। छत्तीसगढ़ में हमारे साथ हमारी बहन है श्रद्धा साहू जी, जो पिछले 6-7 साल से सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर काम कर रही है। सिंगल यूज प्लास्टिक पे 6-7 साल पहले पूरी दुनिया जब चिंता में थी तो मैडम भी बहुत चिंता में थी और इन्होंने उस पर बहुत काम किया, बहुत अवेयरनेस लाई, बहुत जन जागृति लाई। तो सबसे पहले मैडम से ये पूछने के लिए कि आपने कब से स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट किया, कैसे इस क्षेत्र में आई सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए? ऐसे लगभग 5 से 6 साल हो गए इस फील्ड में काम करते। 2017 में मुझे याद है कि मैंने ऐसा कुछ कार्यक्रम कराया था जिसमें सब डिस्पोजल गिलास जैसे पहली बार कराई थी, 15-16 में। तो उस समय जब कचरा मैं की और जब मैं देखी कि मेरे आयोजन से इतना कचरा हो गया तो मुझे कहीं ना कहीं हर्ट हुआ कि मैंने महिला दिवस का कार्यक्रम मैं अक्सर मनाती थी और उसमें मैं बहुत सारा सम्मान भी रखते थे। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये इतना हार्ड डिस्पोजल से पानी पिए हैं इतने लोग और इतना कचरा कर दिया और ये हमको साफ करना पड़े। मैं अपने घर से गिलास ले आती, मेरे घर तो 2-3 दर्जन गिलास ऐसे रखे होंगे तो शायद ये कचरा भी नहीं होता, ऐसा पहले मेरे मन में ख्याल आया था जी। और फिर न्यूज में पढ़ ही रहे कि कंटिन्यू प्लास्टिक का कचरा इतना नुकसानदायक है, कहीं पर गाय इतना प्लास्टिक खा ली है और मर गई है 6-7 गाय, ऐसा भी मैंने पढ़ा। फिर मैंने एक बार न्यूज में पढ़ा कि समुद्री मछली का जब पोस्टमार्टम किया जाए तो कई 1000 टन उसके अंदर से प्लास्टिक का निकला था। तो हम तो यहाँ पर एक छोटे लेवल में प्लास्टिक यूज करके छोड़ देते हैं और वो नालियों में, फिर तालाबों में, फिर नदियों में, ऐसे करके समुद्र में इकट्ठे होते हैं, कहीं पर सड़क का गलता नहीं है। तो जब से यूज करते हैं तब से सिर्फ नुकसान ही नुकसान, लास्ट तक फायदा कहीं भी मुझे दिखा नहीं। जैसा कि एकल यूज प्लास्टिक का है और हर एक शहर के बाजू में एकल यूज प्लास्टिक का एक बड़ा सा पहाड़ है, उसके लिए उसमें आपके साथ आपका जो एक अच्छी बात ये है कि आपने सिर्फ एकल यूज प्लास्टिक को रोकने की अवेयरनेस सिर्फ बात की नहीं थी, उसको रोकने का भी तरीका खोजा, बर्तन बैंक बना के। तो ये आइडिया कैसे आया और क्यों ऐसा आपको लगा? मतलब भोजन में प्लास्टिक यूज करना है ये मुझे कहीं नहीं लगता। भोजन हम करते हैं तो सिर्फ प्लास्टिक में खाया जाए और कचरा कर दिया जाए ये मुझे कुछ हद तक अच्छा नहीं लगा। और फिर मैंने सोचा कि ये पहले तो नहीं आया था ये प्लास्टिक, ये अभी अचानक कहाँ से आ गया इतना। तो फिर मैंने अपने बचपन को याद किया कि उस समय पत्ता में खाना खाते थे, जो पेड़ वाला पत्ता होता था उसमें खाना खाते थे, तो वो अब क्यों नहीं आता। तो मैंने ऐसा पूछा किसी अपने बड़े से या दुकान में ऐसा पूछा कि वो पत्ता अब क्यों नहीं आता। तो फिर उन्होंने बताया, उस समय मेरी एज बहुत कम थी तो मैं ऐसे ही जैसे बच्चे क्वेश्चन करते हैं वैसा मैं जिज्ञासावश क्वेश्चन थी। तो बोले कहाँ से आएगा, पेड़ तो पूरे कट गए हैं, रोड बन रहे हैं, इंडस्ट्रीज बन रही है, शहर बस रहे हैं, तो जंगल में पत्ता नहीं है, पेड़ नहीं है। तो मुझे और चिंता लगा कि अरे इसको तो बंद ही नहीं किया जा सकता फिर ऐसा। तो फिर मैंने कहा कि इसका और कुछ किया जा सकता है, बोले नहीं इसके बदले ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग चुकी हैं प्लास्टिक पत्तल का जो अंदर कागज चिपका देते हैं और ऊपर क्या होता है, तो बोले ऊपर एक प्लास्टिक होता है केमिकल वाला कुछ, अच्छा। उसको चिपका दिया जाता है, लेमिनेशन कर दिया जाता है और यही पूरा अंधाधुंध तरीके से पूरी दुनिया में चल रही है। तो फिर मैंने बोला कि ये केमिकल यूज, किसी से मैंने कहा तो नहीं लेकिन मैं कंटिन्यू चिंतित थी कि केमिकल के ऊपर जब हम गर्म खाना डालेंगे और बदबू आता है, जैसे खोलते हैं तो बदबू आता था इतना। तो मैंने कहा कि ये तो और भी ज्यादा नुकसान है,
फिर मैंने गाय को खाते देखा तो मुझे और पीड़ा हुई कि चंद जूठे दाने के जो हैं वो हमारी गाय खा ले रही है, और मैं देखती हूँ कि गाय हमारी माता है, बड़े बड़े पोस्टर गौ संरक्षण गौ सुरक्षा पे पोस्टर्स कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, प्लास्टिक बंद करो उसके लिए बड़ा बड़ा कार्यक्रम फ्लैग्स लगा हुआ है, और जब कार्यक्रम समापन होता है तो वहाँ पर खुद हमारे पानी पाउच पीकर फेंके वाले हमारे द्वारा आयोजन समिति वाले खुद पानी पाउच ला के देते हैं, हार्ड डिस्पोजल यूज करते हैं। तो आपने तो एक बढ़िया पंडाल लगाया, लोगों को बुलाया, अवेयरनेस किया, लेकिन उसके पीछे तो आपने खुद कचरा कर दिया। मतलब जिसके लिए हम सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने के लिए कर रहे थे, रोकने के लिए करते, और एक पुण्य दूसरी तरफ से भी मैं धर्म से भी उस चीज को देखती, ये एक धार्मिक आयोजन हम किए, भागवत कथा किए, शिव पुराण किए, या जो भी किए, जो भी अनुष्ठान किए, गायत्री महायज्ञ किए, तो हमने कहा कि अब ये संस्कृति लौट आएगी इससे, और हमारी प्रकृति में शुद्धता, यज्ञ करने से हमारी हवा शुद्ध होगी, ऑक्सीजन मिलेगा। फिर मैंने देखा कि आपने तो यज्ञ के माध्यम से भोजन में प्लास्टिक में भोजन कराया और उसको जला दिया, तो जितने का यज्ञ ने किया उतने का पॉल्यूशन फिर से हो गया, प्रकृति और संस्कृति दोनों के विपरीत। ये संस्कृति भी नहीं है हमारी कि हम किसी मेहमान को दूषित भोजन खिलाए, प्लास्टिक में खिला रहे हैं तो दूषित ही खिला रहे हैं, केमिकल भी होता है। और जब हम फिर धरती माता को वायु को शुद्ध करने के लिए ये यज्ञ हवन कराए, वापस प्लास्टिक का कचरा करके और दूषित कर दिया जला के, और जी हाँ। तो फिर मैंने उसमें भी देखा कि ये तो आप एक तरफ पुण्य कर रहे हैं, दूसरे दिन और मतलब पुण्य करते करते एक हाथ से पाप भी कर किया जा रहा है ना, और फिर हम देख रहे थे कि इतना मंदिर आज थाने और मंदिर की संख्या हर एक दो दो किलोमीटर में आपको थाना मिलेगा और हर एक घर के बाद मंदिर मिलेगा, तो उसका भी परिणाम हमको कुछ दुष्परिणाम ही आ रहे हैं, अच्छे परिणाम तो आ ही नहीं रहे। तो हम प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो मुझे लगा ये सारा रीजन प्रकृति से खिलवाड़ करने के कारण नुकसान पहुँचा रहे हैं। पहले जब काम कर रहे थे आप 8 साल पहले 10 साल पहले जब से शुरुआत की, तब तो कोई ऐसे नियम कानून और सख्ती नहीं थी, तब और अब में क्या अंतर समझ में आ रहा है कि पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी, क्या क्या समस्याएं आपको लगती थी एकल यूज प्लास्टिक को रोकने के लिए? उस समय तो मैं सिर्फ लोगों को यही कि पुण्य करना है, पाप नहीं करना है, धरती को नुकसान नहीं पहुंचाना है, मिट्टी की सुरक्षा कीजिए, ऐसा सब बोल बोल कर ही थोड़ा सा मानसिक रूप से उनको प्रिपेयर करती थी कि अरे लोगों को करने दो, फैक्ट्रियां बंद कराने कहाँ जाएंगे, आप अपने में सुधार लाइए ऐसा। लेकिन अब मैं बोलती हूँ कि अब तो कानून उस पे प्रतिबंध लगा हुआ है, आपके ऊपर जुर्माना भी हो सकता है। अभी आप लोग जैसे आप जैसे काम कर रही हैं, अभी तो आपको एक अवार्ड भी आया उस पर भी अपना था, लेकिन फर्स्ट ये कि जो अभी निगम के क्षेत्र में है या जो पंचायत के क्षेत्र में है, जो नियम को लागू करवाने के इसमें कितना आपको लगता है कि वो लागू करवा पा रहे हैं या नहीं करवा पा रहे हैं, या क्या स्थिति है, मतलब एक्चुअल में जो ग्राउंड लेवल की स्थिति क्या है? ग्राउंड लेवल पे सुधार स्वयं में लोग कर रहे हैं तभी हो पा रहा है, ऐसे शासन प्रशासन का डर किसी को नहीं है कि मतलब हम यूज करेंगे तो जुर्माना लगेगा, ये कहीं नहीं हो रहा है। लेकिन हमारा जो सेकंड मेथड है कि प्रकृति की सुरक्षा आपको करनी है, आपकी प्रकृति है, ये भय तो वो मौलिक जो कर्तव्य है उनका प्रकृति के प्रति, वो हम ज्यादा टारगेट करके ज्यादा सफल हो पा रहे हैं, बाकी जुर्माना तो कहीं नहीं हो रहा है। नियम कानून की जो बात खत्म करते हैं कि जब तक क्या होता है, कोई भी एक अवेयरनेस कोई भी एक चीज उसका अमली इसमें तब तक नहीं आता जब तक नियम कानून का हम पालन नहीं करवा देते। नगर निगम पंचायत और छोटे जो नगर पंचायत होते जो हमारी छोटी नगरी निकाय हैं, वो सारे लोग अभी किस तरह करना काम करना चाहिए उनको कि क्या प्रशासन को कैसा अपनी शक्ति लाना चाहिए, खासकर एकल उपयोग करकर, क्योंकि उससे तो हम हमारा स्वास्थ्य भी हानिकारक है, प्रकृति भी हानिकारक है, उससे भी आप बताएं। और एक बड़े लेवल में आर्थिक नुकसान भी हमको हो रहा है, क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार या उच्च लेवल का जो भी इंसान आयोजन करा रहा है, आयोजन करता, वो कचरा खरीद रहा है, फिर उसको कचरे को फेंक दे रहा है, तो उसको निगम या पंचायत या और भी लोग अपने ही पैसे से उसको फिर से साफ करा के वही समुद्री डबल खर्च में समुद्र में जाके इकट्ठा हो जा रहा है, तो ये टोटल आर्थिक नुकसान भी है हमारे समाज का। आपको एक पुरस्कार मिला है, तो उस पुरस्कार के संबंध में कैसे मिला और क्या पुरस्कार है, इसमें कैसा होता है?
ये सिंगल यूज प्लास्टिक का जो मैंने विकल्प निकाला बर्तन में, तो ये एक वृहद रूप लिया, क्योंकि भोजन में हर जगह प्लास्टिक ही यूज हो रहा था अंधाधुंध तरीके से। इवन बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जो लोग हैं वो भी नियम कानून से डरे हुए नहीं थे, क्योंकि बना ही नहीं था नियम, तो वो भी यूज कर रहे। लेकिन आज जागरूक हो गए हैं बड़े जो ऑफिसर्स हैं, या जहाँ पर ऐसा कानून का जो डर है वो काफी है, तो लोग या तो कागज वाला जो आ रहा है ग्लास उसको यूज कर रहे हैं, या फिर कांच का ग्लास, स्टील का ग्लास यूज कर रहे हैं। आपने बढ़िया विकल्प दिया है कि आप बर्तन लोगों को खरीदवा रहे हैं, गांव देहात में से लेकर शहर तक के लोगों को, अपनी कम्युनिटी के। जैसे हमारी संस्कृति में हुआ ही था कि हमारे यहाँ गांव में पहले अपने गांव के 50 बर्तन होते थे, अब शायद बीच में नहीं थे। अब फिर से कितने लोगों के साथ ऐसा कहाँ कहाँ, मतलब आप कितने गांव को अवेयर कर पाए, कितने शहर का अवेयर कर पाए, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जिले लेवल पे, तो उसके बारे में। दुर्ग जिले में तो ऑलमोस्ट मैंने सभी ग्राम पंचायतों को टारगेट किया। जैसे किसी ग्राम पंचायत में हो रहा है कार्यक्रम, तो वहाँ 2-4 ग्राम पंचायत के प्रमुखों को बुला करके भी हमने मीटिंग की कि हर ग्राम पंचायत में जाना पॉसिबल नहीं है। फिर समाज प्रमुखों से मिल करके सर्व समाज का एक मिला मुझे प्लेटफॉर्म, तो वहाँ पर सारे समाज के प्रमुख आने लगे, तो मैंने उन तक अपनी बात पहुँचाई। और जैसे पटेल समाज, यादव समाज, निषाद समाज, साहू समाज, तो ये सब फिर बड़े एक बेहद इसमें काम करने। जब आप उनसे बात करते हैं पहली बार, जब वो लोग सुनते हैं, या अभी तो खैर इस पे अवेयरनेस आ गई सारे तरफ में बात कर, जब पहले आप बात करते थे तो उनकी प्रतिक्रिया कैसे रहती थी? क्या पॉजिटिव होती थी, नेगेटिव होती थी, या डिमोलाइज करने वाली होती थी, कैसा होता? नहीं, पहले तो पॉजिटिव ही ये कहा, मतलब आपने सही कहा। मैंने उनको थोड़ा सा अलग तरीके से समझाती थी मैं कि देखो खेत है आपके पास में और आप आयोजन कर रहे हैं, तो ये प्लास्टिक कहाँ जाएगा, आपके खेत में जाता है। फिर आपका ही धान नहीं होता, या आप कोई सब्जी भाजी बोते हैं तो वो भी नहीं होता। फिर आपको पानी चाहिए, हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को पानी चाहिए, तो पानी जल का स्रोत भी नीचे जा रहा है और ऊपर आप जो कचरा कर रहे हैं वो बीच जा रहा है धरती में, तो बारिश का पानी भी अंदर नहीं जाता, तो आप तो टोटल नुकसान ही तो कर रहे हो अपना। तो इस बात से वो लोग ज्यादा, मतलब प्रशासन का डर नहीं दिखता उसे लेकिन प्रकृति से खिलवाड़ का डर दिखता है। बिल्कुल, वो तो सामने में नुकसान। आप एक और लड़ाई लड़ रहे थे और जो भी लड़ी रहे हैं, उस आपके घर के की है और कैसा उसमें हो रहा है? उसमें काफी उसको लेबल कर दिया गया है। अभी पहले जैसे पहाड़ जैसे दिख रहे थे प्लास्टिक दूर से, आजकल उसको लेबल कर दिया गया है और उसमें सौर ऊर्जा का कुछ प्रोजेक्ट लाएंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। वहाँ पे जो प्लास्टिक पड़ा था ढेर, जो बहुत बड़ा एक बड़े स्तर पर प्लास्टिक पड़ा था, वो उसमें उसका क्या हुआ, क्या उन्होंने उसे मिट्टी फाड़ दी, क्या स्थिति है, उसको जला दिया, क्या किया वो? नहीं, अभी फिलहाल वैसे ही है, लेबल करके छोड़ दिए और हाँ प्रक्रियाधीन है, ऐसा मिला था जानकारी की प्रक्रियाधीन है। इस संबंध में आपने किसी शासन प्रशासन से कोई संपर्क किया? जी, मैंने लेटर दिया था RO ने दिया था, पर्यावरण विभाग में, और DSP में भी मैंने बात कर। और नगर निगम भी शायद उसमें आना चाहिए, नगर निगम को भी आपको देना चाहिए, कोई कार्रवाई आपने की है? लेटर अभी तक तो दिए, फिर आश्वासन मिल गया तो फिर मैं भी रुके। तो ये थी हमारे साथ श्रद्धा शाह, जिन्होंने इनको ये बताया कि पर्यावरण को संरक्षण के लिए जो एकल उपयोग प्लास्टिक है वो कितना खतरनाक है, और साथ में वो एकल उपयोग प्लास्टिक के विनिष्टीकरण के लिए क्या कर रही है। इनका जो प्रयास था ये बहुत ही एक अनुकरणीय प्रयास था, क्योंकि तभी इनको एक अभी इसी विषय पर एक बहुत अच्छा अवार्ड भी मिला। साथ में पर्यावरण संरक्षण विभाग और चलते हैं निगम, दोनों नगरी निकाय क्षेत्र दोनों इनके जो प्रोजेक्ट है उसको अनुकरणीय इसमें लेके चल रहे हैं। हम सबको प्लास्टिक यूज को रोकना है, एक सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करना है। इस विषय पर हम लोग एज ए पूरब टाइम्स ने भी बहुत सारे लेख लिखे हैं, बहुत सारी चीजें इसमें अवेयरनेस के लिए की है। पूरब टाइम्स का आभार कि मेरे को बोलने का अवसर दिया, श्रद्धा साहू मैडम का आभार कि उन्होंने हमको समय दिया और रिसोर्स देना।